दो दशक के दौरान मध्य प्रदेश की जनता ने चार मुख्यमंत्रियों को देखा और परखा है, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 100 दिन में शासन प्रशासन के संचालन और विकास के लिए जो इनोवेशन किया है उससे प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार पर दोगुना हुआ है। अपने 100 दिनों के कार्यकाल में सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में अपनी छाप छोड़ी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोहन सरकार ने 100 दिनों में जीता एमपी की जनता का दिल। सरकार के संचालन और विकास के इनोवेशन पर जनता का दोगुना भरोसा। मोहन सरकार ने 100 दिनों में 100 संकल्प पूरे करने की गारंटी निभाई। पीएम मोदी की राह पर चल रहे सीएम मोहन यादव। 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 22 मार्च को मोहन सरकार को 100 दिन पूरे हो गए। इन 100 दिनों के कार्यकाल में सीएम मोहन यादव ने नए तेवरों के साथ प्रदेश सरकार ने जो नई तस्वीर पेश की है उसने जनता के मन में नई उम्मीद की किरण जगाई है। सालों से कागजों पर ही मौजूदगी दर्ज करा रहे आदेश कुछ घंटों में जमीन पर उतर आए। जन के लिए तंत्र को मैदान में तुरंत उतार कर समस्या के त्वरित निराकरण की यह शैली जनता को खूब भा रही है। लगातार इनोवेशन कर रही है। राजधानी भोपाल से सरकार चलाने की बजाय सीएम मोहन यादव संभागीय लेवल पर भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था बना चुके हैं। इनोवेशन की इस कड़ी में पहली कैबिनेट जबलपुर में की गई। अपने अब तक के कार्यकाल में मोहन सरकार राम राज्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आई। मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सीएम मोहन यादव पीएम मोदी की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मोहन सरकार ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के उद्देश्य से हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। जमीनों के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। सालों से ठंडा पड़ा इंदौर के हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिकों को 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करवाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3000 से 4000 किया। भोपाल का यातायात सुगम बनाने के लिए BRTS हटाने का फैसला लिया। गंभीर मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए एमपी में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। कुल मिलाकर 100 दिनों में संकल्प पत्र के 100 संकल्पों को पूरा कर सीएम मोहन यादव ने मोदी की गारंटी को पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।